Hello students, we are going to start our lesson 8. The name of lesson is Reaching Grandmother's House. Grandmother ke haal ghar pe pahunchna. Theek hai? To ye lesson previous lesson se related hai. Jo humne isse pehle padha tha, kaun sa lesson padh rahe hum? Omana's journey, hai na? To Omana's journey ab kahan khatam hogi? Jab wo grandmother ke ghar pe pahunch jayegi. Theek hai? So let's start the lesson. After a long train journey, we reached Kottayam in the night. हमारी एक लंबी जर्नी के बाद हम रात को कोट्टायम पहुँचे. वालियम्मा's house was not far from the station and we had to take 2 ऑटो रिक्शास to get there. वो बता रही है कि वालियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, हमें सिर्फ क्या है 2 रिक्शा लेने पड़े स्टेशन से उनके घर पहुँचने के लिए. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. फिर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं इतना भी वेट नहीं कर पाई कि मैं कुछ खाऊं. I took a bath and slept. मैंने एक बात लिया यानी कि मैं नहाई और उसके बाद सो गई. I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. मुझे ऐसा लगा मैं जैसे ही सोई थी वैसे ही मुझे मेरी अम्मा ने उठा दिया. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. उसे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थकान थी, बहुत नींद आ रही थी, तो उसे लगा वो उसी टाइम सोई और उसी टाइम उसकी मम्मी ने उसे उठा दिया. लेकिन वो रात को सोई थी और उसकी मम्मी ने उसे सुबह उठाया था और कहा था कि चलो उठो और रेडी हो जाओ, अपने लगेज पैक करो और हमें कहाँ जाना है? बस स्टैंड. वाली अम्मा's family also came with us. उसकी जो वाली अम्मा है यानी कि मौसी, उनकी फैमिली भी उनके साथ जा रही थी. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. हम लोग 10 लोग थे और हमारे पास लगेज भी बहुत सारे थे. द बस कंडक्टर केम एंड अप अबाउट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और उसके अप्पा ने सबके लिए टिकट्स खरीदे. वी मैनेज्ड टू गेट सीट्स. फिर उन्होंने सीट पे जाना मैनेज किया. As it went along, the bus got very crowded. जैसे जैसे टाइम बीतता गया बस में भीड़ बढ़ती गई. People were sharing the seats. लोग जो हैं अपनी सीट्स शेयर कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि एक सीट में 2 बैठ गए तो इस तरह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वो आपस में शेयर कर रहे थे सीट्स. We also had to share our seats. हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. काफ़ी लंबी राइड के बाद बस वहाँ पर पहुँची जो लास्ट स्टॉप था जहाँ पर उन्हें उतरना था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब वो उतरने वाले हैं. My legs were stiff. I could hardly stand. उसके पैर जो है सुन्न हो गए थे. ठीक है, जैसे हो जाता है ना कि पैर सो चुके हैं. ठीक है, और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा था. I thought that we had finally reached Amu Amma's village. मुझे लगा कि अब हम फाइनली अमू अम्मा के गांव पहुंच चुके हैं, अमू अम्मा यानी कि नानी. But no, our travel had not ended yet. लेकिन नहीं, हमारी जो ट्रैवलिंग थी, हमारी जो जर्नी थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी. The bus had dropped us by the water side. बस ने हमें जो नदी है, पानी है, उसके किनारे पर छोड़ दिया था. Look, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. मम्मा ने बोला देखो, किसकी तरफ पॉइंटेड किया? रिवर की तरफ, वाटर की तरफ. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. वहाँ हमें जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर आई वॉन्टेड. लेकिन मैं सोचने लगी कि हम वहाँ कैसे जाएंगे. वो क्या है, पानी के दूसरी तरफ, जिस तरफ बस ने उन्हें छोड़ा था उसकी दूसरी तरफ. उसकी अम्मा उसे इशारा करी थी कि हमें उस तरफ जाना है, तो वो सोचने लगी कि हम उस तरफ पहुंचेंगे कैसे. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. देयर इज़ द फेरी, अम्मा सेड. फिर वैसे ही उन्होंने उसने एक बोट आते हुए देखी और अब उसकी अम्मा ने कहा कि वो रही फेरी. इमिडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. फिर जैसे ही वो फेरी आई, सारे जितनी भी उसमें भीड़ थी, जो स्कूल के बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थीं, वो सब
उससे उतरने लगे और उनके पास अपने अपने पैकेट्स और लगेजेस थे. अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. अम्मा ने उसे समझाया कि जो फेरी है वो लोगों को पानी के इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने में मदद करती है. एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड. जैसे जैसे फेरी खाली होती गई वैसे वैसे हमारी साइड से उसमें भीड़ पड़ने लगी. ठीक है, उस तरफ यहाँ सारे लोग भागने लगे. एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन. हर किसी को फेयर, फेयर मतलब होता है जो कि पे करना था उन्हें जर्नी के लिए, नदी से उस पार जाने के लिए जो उन्हें रेंट पे करना था उसे फेयर कहते हैं. ठीक है, तो हर किसी को उस फेरी में चढ़ने से पहले फेयर पे करना था. वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. फिर थोड़ी देर में क्या है, बहुत ही जल्दी फेरी फुल हो गई और उसने चलना स्टार्ट कर दिया. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग. उसने जैसे तैसे अपने आप को एक रेलिंग के पास खड़े होना मैनेज किया. वो एक रेलिंग के पास खड़ी हो गई. आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड. फिर उसने पानी को देखा जैसे ही बोट चलने लगी. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा किस तरह से ये पानी उछल रहा है, वो उसे देखने लगी जैसे ही फेरी ने चलना स्टार्ट किया. इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. ये बहुत ही आराम से पानी पर चल रही थी. देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. नदी के किनारे कोकोनट ट्रीज की रोज बनी थी, यानी कि एक लाइन में कोकोनट ट्रीज लगे हुए थे. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and walking along the banks. जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे उसे लोग दिखने लगे. कुछ लोग वहाँ पर फिशिंग कर रहे थे, कुछ कपड़े धुल रहे थे, कुछ नहा रहे थे और कुछ दूसरे काम कर रहे थे नदी के किनारों पर. Just before the sun disappeared into the water, the fairy raised the island and stopped. जैसे ही सूरज जो है पानी के उसमें डूब गया. ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, पहाड़ों के पीछे डूबता है, वहाँ पर समंदर है तो वहाँ पर समंदर के पीछे सूरज डूब गया. तो फेरी एक आइलैंड पर पहुँची और वहाँ पर रुक गई. इट वॉज़ टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ. अब ये हमारा टाइम था कि हम उस फेरी से उतर जाएं. एट लास्ट वी रीच्ड अम्मू अम्मास प्लेस. और आखिर में वो अम्मू अम्मा के जगह पर पहुंच गए. वट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन. ये कितनी लंबी और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जर्नी ख़त्म हुई. अब वो क्या है, अम्मू अम्मा के घर पर इस तरह से पहुंच गई. सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. कैन यू रिमेंबर वॉट दीज वर. ओमाना ने अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जब वो ट्रेन से उतर गई थी. क्या आपको याद है वो कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे हम लिखेंगे, ओमाना ट्रेवल्ड बाय फेरी, बस एंड ऑटो रिक्शा आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. जब वो ट्रेन से उतरी तो उसने फेरी, बस और ऑटो रिक्शा की सवारी करी, उनमें उसने ट्रैवल किया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड. आप कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके हैं? ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के नाम लिख रही हूँ, आप उनमें से सेलेक्ट करके आपने जिन जिन में ट्रैवल किया है वो नाम लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप लिखेंगे, आई हैव ट्रैवल्ड बाय ऑटो रिक्शा, ट्रेन, तांगा, बस, बोट, बुलॉक कार्ट, स्कूटर, बाईसाइकिल, टैक्सी, कार, शिप, एट्सेट्रा. विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, वाई. कौन सी राइड आपने मोस्टली इन्जॉय करी है और क्यों, ये आपने खुद लिखना है. आप लिख सकते हैं, आई इन्जॉय द कार राइड द मोस्ट, और बाइक राइड, ट्रेन राइड, जो भी राइड आपको पसंद आई होगी वो आप लिख सकते हैं और क्यों, ये आपने खुद लिखना है. हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो. क्या आपने भी कभी इतनी लंबी जर्नी करी है? अगर हाँ तो कहाँ आप गए थे? नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी. और आपने जब वो लॉन्ग जर्नी पे आप गए थे तो आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए थे, उनके आप यहाँ पर नाम लिखेंगे. हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक. आपकी जो जर्नी थी उसने कितना समय लिया? ठीक है, ये आप अपने खुद आंसर करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमानास अप अबाउट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस.
Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? ओमाना के अप्पा ने टिकट लिए थे ट्रेन और बस के लिए. क्या आप बता सकते हैं कि और कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जहाँ जिसके लिए हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं? तो आप ये खुद फाइंड करेंगे. जैसे कि एरोप्लेन, अगर हमें एरोप्लेन में जाना है तो हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं. इसी तरह से आप और भी ट्रांसपोर्ट्स के नाम लिख सकते हैं. समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस. कभी कभी हम किसी जगह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें टिकट खरीदना पड़ता है. कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस. क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस के नेम? तो हम लिखेंगे कौन कौन से ऐसी प्लेसेस होती हैं. सर्कस, सिनेमा हॉल, म्यूजियम, जू, एट्सेट्रा. ठीक है, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें जाने से पहले, एंटर करने से पहले हमें क्या करना होता है, टिकट्स खरीदनी होती हैं. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट. फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस. आप नीचे पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये बनी है टिकट की पिक्चर. ठीक है, ये एक रेलवे टिकट है. आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है टिकट पर, जो पिक्चर है टिकट की, उनमें उसे सर्कल करना है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से. ठीक है, डिफरेंट कलर्स से आपको उन्हें सर्कल करना है. सो फर्स्ट वी हैव द ट्रेन नंबर. ट्रेन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 9037. इसे आप किसी कलर पेंसिल से सर्कल कर देंगे. ठीक है, सेकंड है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. जो स्टार्ट ऑफ द जर्नी है उसकी डेट कितनी है, 24/12/2006. ठीक है, डेट है 24 मंथ 12th एंड ईयर 2006. इसे भी आपने सर्कल कर देना है कलर पेंसिल से. द बर्थ एंड द कोच नंबर. बर्थ नंबर कितना है, 21, 22, 23. और कोच नंबर है A1. ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, इन्हें भी आपने सर्कल कर देना है. द फेयर. फेयर मैंने आपको बताया था जो हम रेंट पे करते हैं. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द टिकट. जो टिकट का आप कॉस्ट पे करेंगे वो होता है फेयर. वो कितना है, 2578 रुपीज़. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसे भी आप सर्कल कर देंगे. द डिस्टेंस इन किलोमीटर. आपको डिस्टेंस लिखनी है किलोमीटर्स में. आपको दिख रही होगी यहाँ पर कितनी है, 643. तो आपने इसे भी यहाँ पर सर्कल कर देना अपनी बुक में. ठीक है, राइट वॉट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट. आपको लिखना है कि और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप एक रेलवे टिकट पर देख सकते हैं. तो हम लिखेंगे वहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑफ़ एडल्ट्स. उसमें लिखा होता है कि नंबर ऑफ़ एडल्ट्स कितने हैं. सेकेंड नंबर ऑफ़ चाइल्ड. वहाँ पर लिखा होगा नंबर ऑफ़ चाइल्ड कितने हैं. एंड थर्ड टिकट नंबर. उसमें टिकट नंबर भी मेंशन होगा. आगे पढ़ेंगे, अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशंस अलॉन्ग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन. एक जो रेलवे टाइम टेबल होता है उसमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं कि कौन से रास्ते से ट्रेन जाएगी, कौन से स्टेशंस को क्रॉस करके हो जाएगी और किस टाइम पर वो कौन से स्टेशन पे पहुंचेगी और किस टाइम पर उस स्टेशन को छोड़ देगी. द डिस्टेंस कवर्ड एट्सेट्रा. और जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी उसमें मेंशन होता है. वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. हम रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल भी खरीद सकते हैं. Some portions of the timetable for the route of the train on which Omana traveled are given. Look carefully at it and answer the following questions. कुछ जो portion है जिसमें Omana ने travel किया था उसके train का जो timetable है उसका आपको दिया है यहाँ पर. आपने इसको ध्यान से देखना है और जो questions आपसे पूछे गए हैं उनके answer देने हैं. So, here is the table. 16635 गांधीधाम नगर कोयल एक्सप्रेस. ठीक है, ये क्या है, ट्रेन का नाम है. तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे. ठीक है, इसे ध्यान से देखने के बाद आपने जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानास डायरी. जो आपके पास टेबल है उसमें आपने मेंशन करना है कि कौन कौन से स्टेशन ओमाना की डायरी में मेंशन किए गए हैं. कौन कौन से हैं वो आप उन्हें सर्कल करेंगे. गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसद, मडगांव, कोजीकोड़े, कोटायाम. इन्हें आप सर्कल कर देंगे उस टेबल में.
फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, वो कौन सा है, गांधीधाम स्टेशन। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, कितने मिनट के लिए ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी थी, तो कितने मिनट के रुकी थी, द ट्रेन स्टॉप्ड एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, मडगांव ट्रेन कब पहुंची थी, कौन से दिन पहुंची थी, जो उसकी जर्नी थी उसके कौन से दिन ट्रेन मडगांव पहुंची। द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी, ट्रेन मडगांव जर्नी के सेकेंड डे पहुंची थी। सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, सुनील और एन थे जो कि ओमानो को मिले थे, उसके सामने वाले बर्थ में बैठे थे, वो कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे। ओमाना गॉट ऑफ एट कोटायम स्टेशन, और ओमाना कहाँ उतरी थी, कोटायम स्टेशन में। हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड, आपको बताना है कि ट्रेन को कोझिकोड से कोटायम पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे इट टेक्स 6 hours फॉर द ट्रेन टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड, ट्रेन को कोटायम कोझिकोड से पहुँचने में कितना समय लगा, 6 hours का टाइम। वॉट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी पूरे रूट में, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कहाँ से, गांधीधाम से, और जो लास्ट आपके पास स्टेशन दिया है उस टाइम टेबल में वो आपको पूछा गया है, तो वो होल रूट में कितनी करी उसने, आप काउंट करेंगे उसे, तो टोटल आएगा आपके पास, आप आंसर लिखेंगे इसका द ट्रेन ट्रेवल्ड 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट, जो पूरा रूट था वो ट्रेन ने कितना कवर किया, 2649 किलोमीटर्स। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, ओमाना ने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया, कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किया, तो हम लिखेंगे ओमाना ट्रैवल्ड 2418 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, ओमाना ने 2418 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि वो कहाँ है, कोटायम स्टेशन पर उतर गई थी। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, क्या आपको भी एक डायरी लिखना पसंद आएगा, टेक अ नोटबुक और अ डायरी, एक नोटबुक या डायरी ले लीजिए, एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट व्हाट यू डिड, हफ्ते में हर एक दिन, ठीक है, हफ्ते में से एक दिन आप क्या कीजिए, जो भी आपने किया उसके बारे में लिखिए। ऑल्सो राइट योर थाट्स एंड फीलिंग्स, आप अपनी जो थाट्स हैं आपके फीलिंग्स हैं उन्हें भी उस डायरी में लिखिए। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स, और फिर अपने दोस्तों को अपनी डायरी दिखाइए कि आपने क्या क्या उसमें लिखा, क्या क्या आपने किया, क्या क्या आपके थाट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। सो हियर आवर लेसन इज़ कम्प्लीट, और हमने इस लेसन में देखा कि ओमानक ने किस तरह से अपनी फ्रेंड के लिए एक डायरी लिखी, अपनी पूरी जर्नी उसने डिस्क्राइब करी और उसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। सो हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, थैंक यू।